इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे कि आमतौर पे कितनी लिमिट होती है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, और आप क्या क्या और कितना कितना अपनी फ़्लाइट में लेके जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पैसेंजर परमवीर। मेरा नाम परमवीर है, मैं 22 साल का हूं और मैं एक पार्ट टाइम ट्रैवलर हूं और मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉग्स, और जहां मैं जाता हूं उधर के वीज़ा इन्फॉर्मेशन, वीज़ा प्रोसेस, चीप ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस एक्सेट्रा। और आज की वीडियो में हम एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसके बारे में सबको नहीं होता, इवन मैं भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि हाउ मच लगेज और बैगेज कैन यू कैरी इन एन एयरप्लेन और अ फ्लाइट, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक और एन इंटरनेशनल फ़्लाइट। हम एक फ़्लाइट में कितना लगेज या सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, वो सब बातें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे आप मेरी वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्रैवल से अपडेटेड रहने के लिए, और कोई आपके उनमें क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि हर एयरलाइन, एयरप्लेन, डेस्टिनेशन, टिकट, क्लास कि एक अलग बैगेज अलाउंस या फिर लगेज की लिमिट या पॉलिसीज़ होती है। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप एक कोई पर्टिकुलर लिमिट अपने दिमाग में हमेशा ना रखें, और उड़ने से पहले अपनी एयरलाइन के साथ अपनी टिकट से आप ज़रूर ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको असली में कितना लगेज अलाउड है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है और आपको एयरपोर्ट पे जाके काफ़ी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ सकती है एक्स्ट्रा लगेज के लिए। पर आप चिंता ना करें, इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे कि आमतौर पे कितनी लिमिट होती है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, और आप क्या क्या और कितना कितना अपनी फ़्लाइट में लेके जा सकते हैं। और इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी फ़्लाइट में कितना सामान लेके जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो हमारा जो सामान है या लगेज है जो हम एक फ़्लाइट में लेके जाते हैं, उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर तीन तरह के लगेज जो यूजुअली आमतौर पर हमें एक फ़्लाइट में मिलते हैं, अलाउड होते हैं। तो सबसे पहला है उनमें से हैंड लगेज या फिर हैंड बैग या फिर पर्सनल बैग भी आप उसे कह सकते हो। हैंड बैग होता है आपका वो बैग जो आप जिसमें आपका पर्सनल सामान होता है, जैसे कि कैमरा, लैपटॉप, चार्जर, बाइनोक्यूलर्स, बुक्स, मैगजीन्स, बेबी फूड या फिर अम्ब्रेला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो आपका हैंड लगेज होता है या जो हैंड बैग होता है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो एक नॉर्मल बैकपैक के साइज़ का होना चाहिए, और वो इतना ही बड़ा हो कि आप जब अपनी सीट पर बैठे आप अपने पैरों के बीच में उसे रख सके, इससे बड़ा वो ना हो। इसकी कोई वेट लिमिट आमतौर पे नहीं होती, पर कुछ एयरलाइंस ऐसा कहती है कि वो आपका 5-7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप सिर्फ अपना बेसिक सामान ही और पर्सनल सामान ही लेके जा सकते, जैसे लैपटॉप वगैरह और जो मैंने आपको बताया। कुछ एयरलाइंस अलाउ कर देती है या फिर वो चेक नहीं करते आमतौर पे हैंड बैग, आप जब भी फ्लाइट बोर्ड करते हो 99% केसेस में वो आपका चेक नहीं करते, तो उसमें आप अपने कपड़े या और जूते वगैरह और सामान भी लेके जा सकते हैं अगर वो चेक ना करें तो। जो दूसरा लगेज का पार्ट आता है या फिर जो दूसरा बैग हमारा होता है वो है केबिन बैग। केबिन बैग वो होता है जो आप अपने हैंड बैग के साथ अपने साथ अपनी सीट तक फ्लाइट में अंदर लेके जाते हैं, और इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस जो होती है आमतौर पे वो होती है लगभग 1.25 फीट लंबा और 1.25 फीट चौड़ा। केबिन बैग में आप अपना और सामान डाल सकते हैं, जैसे कि आपके जूते, कपड़े, पैक्ड टेबल्स या फिर आपकी अदर बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा। और इसका वेट जो अलाउड होता है वो हर एयरलाइन के लिए अलग होता है, जो मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूँगा वीडियो में, पर आमतौर पर 7 से 10 किलो के बीच में रहता है। केबिन बैग और आपका हैंड बैग, ये दो बैग्स आपके साथ अपनी सीट तक एयरप्लेन में आपके साथ जाते हैं, और इन दोनों ही बैग्स में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं होते, जैसे कि सीजर, नाइफ, ब्लेड एक्सेट्रा, या फिर कोई वेपन्स, टूल्स। और लिक्विड भी 100 ml से ज़्यादा अलाउड नहीं होता, पानी भी आपका 100 ml से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। और मान लीजिए कि अगर आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ है, या जैसे कि मान लीजिए आई ड्रॉप्स है या फिर जेल है, क्रीम है या नेज़ल स्प्रे है, परफ्यूम है, तो वो भी कोई भी चीज़ 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब 100 ml से ज़्यादा केबिन बैग या फिर हैंड बैग में अलाउड नहीं होता आपके साथ सीट पे। तीसरा और आखिरी बैग जो आता है वो होता है चेक इन बैग। चेक इन बैग आपसे तभी सेपरेट कर दिया जाता है जब आप एयरलाइन के काउंटर पर जाते हो और अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, तभी वो आपका बैग आपसे अलग कर देते हैं और वो सेपरेटली आपकी एयरलाइन लोड करती है आपके एयरप्लेन में। इसका साइज़ आमतौर पे ज़्यादा लाउड होता है, आमतौर पे 1.25 से 2.5 फीट लंबा और 1.25 से 2 फीट चौड़ा। इसमें यूजुअली जो वेट अलाउड होता है वो होता है 15 से लेके 30 किलो, जो कि अभी मैं आपको आगे डिस्कशन में बताऊंगा कि किस एयरलाइन में या फिर डोमेस्टिक इंटरनेशनल में कितना होता है। जो आपका चेक इन बैग है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपना मोस्ट ऑफ द स्टफ कैरी करने के लिए, जैसे कि आपके ट्रिमर, आपका रेजर, आपके टूल्स, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें और जो भी बची हुई चीज़ें, आप सब कुछ अपने चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं। बस वो कोई बैंड सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए या फिर कोई इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप एरोप्लेन में लेके जा सके, जैसे कि वेपन्स या गन्स वगैरह उसमें नहीं होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे जनरल बैगेज अलाउंस की कि आमतौर पर कितना लगेज अलाउड होता है कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, जो डाटा मैं आपको दूंगा पर आमतौर पर यही रहता है और आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं उड़ने से पहले अपनी एयरलाइन के साथ। तो स्टार्टिंग विद हम बात करते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस की। इफ़ यूर फ्लाइंग समवेयर विद इन इंडिया तो हाउ मच बैगेज आर यू अलाउड टू कैरी। तो हम शुरू करते हैं डोमेस्टिक में। इकॉनमी क्लास है, इकॉनमी क्लास में आपका अलाउड होता है एक हैंड बैगेज, दूसरा होता है आपका एक केबिन बैग जो होता है 7 किलो का, तीसरा होता है आपका चेक इन बैग जिसका मैक्सिमम वेट अलाउड होता है 15 kgs। इकॉनमी क्लास की हमने बात कर ली। अब हम डोमेस्टिक एयरलाइंस में बात करते हैं बिजनेस क्लास की। उसमें अलाउड होता है एक हैंड बैगेज और एक केबिन बैग जिसका वेट होता है 7 से 10 किलो, डिपेंडिंग ऑन विच एयरलाइंस आर यू फ्लाइंग फ्रॉम। आमतौर पे 10 किलो दे देते हैं बिजनेस क्लास में, पर कुछ में सिर्फ 7 kg भी होता है। तीसरा होता है चेक इन बैग, वो होता है 20 से लेके 35 किलो के बीच, बिटवीन 20 to 35 kgs डोमेस्टिक बिजनेस क्लास में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में योर लगेज लिमिट वेरीज मोर कम्पेयर टू डोमेस्टिक फ्लाइट्स, डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री यूर फ्लाइंग टू, योर एयरप्लेन, एयरलाइंस एंड योर टिकट क्लास। आमतौर पे जो अलाउंस होती है उसमें हम पहले बात करते हैं इकॉनमी क्लास की। तो इकॉनमी क्लास में इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आपका अलाउड होता है एक हैंड बैग, एक केबिन बैग जिसका वेट रहता है आमतौर से 7 से 9 किलो के बीच में, तीसरा होता है एक चेक इन बैग जिसका वेट होता है 20 से 30 kg तक अलाउड। मोस्टली ये 20 से 23 kg के बीच में रहता है, पर कुछ एयरलाइंस 30 kgs तक भी दे देती है। और कुछ एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया वो आपको 2 बैग भी अलाउ कर देती है, 2 चेक इन बैग 23-23 किलो के, पर 90% केसेस में आपको एक ही चेक इन बैग अलाउड होगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ्लाइट्स बिजनेस क्लास की, तो उसमें होता है एक हैंड बैग अलाउड, एक केबिन बैग अलाउड जिसका वेट होता है 10 से 12 kgs तक अलाउड, कुछ एयरलाइंस 15 kg तक भी दे देती है बिजनेस क्लास में, और तीसरा होता है एक पीस चेक इन बैग जिसका वेट मैक्सिमम होता है 30 से 40 kgs के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर एयरलाइन। और कुछ एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया वो आपको 32 किलो के 2 बैग अलाउ कर देती है, 2 चेक इन बैग बिजनेस क्लास में, अगर आप इंटरनेशनली फ्लाई कर रहे हैं तो, पर मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस आपको ये सुविधा नहीं देती। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग व्हाट टू कैरी, हाउ मच टू कैरी इन एन एयरप्लेन। आप क्या लेके जा सकते हैं, कितना लेके जा सकते हैं एक इंटरनेशनल फ्लाइट में या फिर एक डोमेस्टिक फ्लाइट में, वो सब डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई और सवाल है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास जितने भी लोगों के मैसेज आए मैं सबकी रिप्लाई करूँ और मैं आपका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। Thank you so much for watching. Good day.